अगर आप ही अपने घर पे एसी बोर्ड का सीलिंग लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस एक जो है कि रूम में, जैसे कि यहाँ पे हमने ये रूम बना के रखा हुआ है दोस्तों, ये 14x22 फीट का रूम है, तो इस तरह वो सेफ्टी के आसपास लग जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम ये बोर्ड लगा रहे हैं उस तरह से। दोस्तों आपको ये बटन लगाना है, 3x2 इंच का बटन लगाना है इसमें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, हमने जो कि बोर्ड हमने मारकर यहाँ पे देखिए, बोर्ड भी हमने जिससे बोर्ड भी मारते हुए गए हैं और साथ हमने इसके बीट भी लगाते हुए गए हैं साइड पे। दोस्तों इस तरह से जो सीलिंग लगाते हैं, आप जो हथौड़ा से जो कील को मारते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, तो उस वाइब्रेशन होने का टाइम में आपका बोर्ड जो है टूट के गिरने के चांस ज़्यादा रहता है। फाइनली जो है कि एसी बोर्ड भी लगाकर कंप्लीट कर दिया और साथ में इसके बीट भी लगा के फाइनली कंप्लीट कर ले, देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को असम वुड कारपेंटर चैनल पर। दोस्तों अगर आप ही अपने घर पे एसी बोर्ड का सीलिंग लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो कि इस रूम पे हमने ये बटन वगैरह लगा के रखा हुआ है कुछ इस तरह से। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस एक जो है कि रूम में, जैसे कि यहाँ पे हमने ये रूम बना के रखा हुआ है दोस्तों, ये 14x22 फीट का रूम है, तो इस तरह के 14x22 फीट का रूम में जो कि आपको एसी बोर्ड कितना लगेगा, इसमें लकड़ी कितना लगेगा, इसमें हम टोटल खर्चा कितना आएगा, वो मैं सब वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बटन पर जो है कि पहले से मार के रेडी करके रखा हुआ है। तो दोस्तों हमारा एसी बोर्ड का साइज़ जो होता है वो 4x4 फीट का आता है, तो हमने उसी का साइज़ में ये रूम में हमने सारे बटन को जो है कि 4x4 फीट का स्क्वायर में बटन हमने सारे लगा के रखा हुआ है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों आज मैं इस आपको बताऊंगा कि इस तरीके का रूम में जो कि लकड़ी कितना चाहिए हमें एसी बोर्ड सीलिंग लगाने के लिए, लकड़ी कितना लगाना चाहिए। तो जैसे कि ये 14x22 फीट का रूम है, तो इसमें हम जो कि हमें इसमें लकड़ी दोस्तों 9 सेफ्टी के आसपास लग जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम ये बोर्ड लगा रहे हैं उस तरह से। दोस्तों आपको ये बटन लगाना है, 3x2 इंची का बटन लगाना है इसमें, तो 3 इंची जो कि चौड़ाई में लगाना है और 2 इंची साइड में करना है। तो दोस्तों इस तरह से लगाने से जो आपका 3 इंची में लगाने से क्या होता है कि आपका 1.5 इंची जो कि आपका बोर्ड लगाने के लिए चांस रहता है, और अगर 2 इंची ऐसे खड़ा में लगाएंगे तो आपका बोर्ड लगाने के लिए बहुत ही जगह कम होगा, इसलिए 3 इंची नीचे करके आप लगाइएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसमें जो कि इस तरह का जो कि 14x22 फीट का रूम में आपको लकड़ी जो कि 9 सेफ्टी के आसपास लग जाएगा। तो हम दोस्तों हमारे यहाँ पे लकड़ी का प्राइस जो कि 1 सेफ्टी में 850 रुपये के आसपास है, तो हमें जो कि दोस्तों लकड़ी जो कि 9 सेफ्टी के आसपास लग जाएगा, तो हमें 8000 रुपये का साइड लकड़ी लग जाएगा। और इसमें हमें बीट जो चाहिए दोस्तों, बीट हमें करीबन 320 फीट के फुट के आसपास लग जाएगा, तो हमें 320 फीट का लकड़ी हमने बीट का प्राइस जो कि हमें यहाँ 2300 रुपये के आसपास में मिल जाएगा आपको। और दोस्तों इसमें हमें एसी बोर्ड जो कि ये 14x22 फीट का रूम में हमें एसी बोर्ड जो कि हमें 20 पीस टोटली लग जाने वाला है, और इसमें किल्ली जो हमें चाहिए हमें इसमें करीबन 3-3.5 केजी के आसपास हमें इसमें लग जाएगा। और दोस्तों इसमें हमारा इस 14x22 फीट का रूम में टोटल रनिंग स्क्वायर फीट जो है वो हमें हमारे यहाँ पर दोस्तों 308 फीट के आसपास आता है, और हमें यहाँ पे मेकिंग चार्ज जो हमारे यहाँ के हिसाब में दोस्तों हमारा 35 रुपीज़ स्क्वायर फीट है, तो हमें 11000 रुपये का जो है कि मेकिंग चार्ज तो लग सकता है। तो हमारे ये दोस्तों ऑल कंप्लीट जो कि इसमें लकड़ी हो गया, बोर्ड हो गया, इसमें बीट उगरा, कील उगरा लेके सारे ऑल कंप्लीट मेकिंग चार्ज हमारे यहाँ के हिसाब में दोस्तों आपको करीबन 25,000 या 26,000 के आसपास में कम्प्लीटली हो जाएगा इस तरीके का सेलिंग लगाने के लिए आपको। तो जैसे कि ये 14x22 फीट का रूम है उसके साइज़ में, तो हम दोस्तों इसके सारे जितने भी जो कि लकड़ी के साइज़ कितना है वो सारे मैं जो कि इसमें मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिख के रखने वाला हूँ, तो आप लोग जाके चेकआउट जरूर करिएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, हमने जो कि बोर्ड हमने मारकर यहाँ पे देखिए, बोर्ड भी हमने जिससे बोर्ड भी मारते हुए गए हैं और साथ हमने इसके बीट भी लगाते हुए गए हैं साइड में, और यहाँ पे देखिए हमने फैन का हुक का जगह पर भी जो कि हमने होल करके कुछ इस तरह से लगा दिया है। तो उस पर एक बात नहीं, अगर कलर करने के बाद उसमें एक मोटा सा पेपर जो आता है वो लगाकर पेंट कर देंगे ना, तो आपको उसमें पता नहीं चलेगा कि वो अपने हमने होल करके वो लगाया हुआ है। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं, हमने जो कि एसी बोर्ड का सीलिंग जो कि लगा के हमने तैयार किया है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आप भी लगाते हैं ना, तो बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से आपका जो कि सीलिंग एसी बोर्ड का सीलिंग बन जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इस तरह से लगाते हुए जो कि यहाँ पे लोहे का कील जो कि मार रहा हूँ हमने दोस्तों। आप इस तरह से बोर्ड में कील लगाने के लिए 1 इंच का कील लीजिएगा, और इसके साथ में जो बीट में लगाने के लिए लेता है तो वो बीट में लगाने के लिए आपको 1.5 इंच का कील लीजिएगा, तो वही ठीक होगा। अगर ज़्यादा मोटा लेंगे तो आपको ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपका बीट फटने का चांस रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने टोटली जो है कि
बोर्ड लगाकर कंप्लीट कर दिया। हमें यहाँ पर लास्ट पे एक छोटा सा टुकड़ा लगाना पड़ गया क्योंकि दोस्तों ये स्क्वायर साइड में जो जगह उतने जो ये 2x2 फीट का है तो थोड़ा सा कम है दोस्तों 2x2 फीट में। तो इसी तरह से दोस्तों आपको भी लगाते हुए जाना है। तो देख सकते हैं हमने साथ ही साथ जो कि हमने बोर्ड भी लगा दिया है और साथ साथ में बीट भी मारते हुए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग भी अगर एसी बोर्ड का सीलिंग लगवाते हैं तो इसी तरीके से बोर्ड भी लगाते हुए जाएगा और साथ में बीट भी मारते हुए जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह से जो सीलिंग लगाते में आप जो हथौड़ा से जो कील को मारते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, तो उस वाइब्रेशन होने का टाइम में आपका बोर्ड जो टूट के गिरने के चांस ज़्यादा रहता है। तो आप जब भी लगाएगा बीट टुकड़ा पहले साथ साथ बीट भी लगाते हुए जाइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फाइनली जो है कि एसी बोर्ड भी लगाकर कंप्लीट कर दिया और साथ में इसके बीट भी लगा के फाइनली कंप्लीट कर लिया। देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन जाता है हमारा एसी बोर्ड का सीलिंग जो कि लगकर कंप्लीट हो जाने के बाद देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि दोस्तों मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से ऐसे यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर फिर से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.